मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने मंत्री गौर के बेटे के साथ करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। ठगों ने मंत्री के बेटे को महिंद्रा कंपनी में लेबर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। खास बात यह है कि ठगों ने जिस खाते से लेन देन किया उसमें DSP साइबर क्राइम के नाम से ईमेल का उपयोग किया गया था। भोपाल के 74 बंगले में मंत्री कृष्णा गौर के साथ रहने वाले उनके बेटे आकाश गौर को ठगी होने का शक हुआ तो साइबर क्राइम में घटना की शिकायत की। शिकायत में आकाश ने बताया कि 20 मार्च 2024 को उनके नंबर पर एक प्राइवेट कंपनी से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को महिंद्रा कंपनी का कर्मचारी बताया और पूछा कि आप लेबर सप्लाई का काम करते हैं। जवाब में आकाश ने कहा कि वो ठेकेदारी करते हैं। बातचीत में फोन करने वाले ने कहा कि उन्हें काम का टेंडर मिल जाएगा। आकाश ने क्राइम ब्रांच को बताया कि फोन करने वाले ने खुद का नाम RK यादव बताया। उसने कहा कि टेंडर पाने के लिए आपको जल्द ही वेंडर कोड जनरेट करना होगा और उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। उन्हें उसकी बात पर भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद ही ठग ने उनके व्हाट्सएप पर एक QR कोड भेजा और उनसे शुल्क जमा करने के लिए कहा। विश्वास में आ चुके आकाश ने ठग के कहे अनुसार उसी दिन 20 मार्च को अलग अलग बैंक खातों से 35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जालसाज ने फोन बंद कर लिया। मंत्री के बेटे का मामला होने के कारण भोपाल क्राइम ब्रांच तत्काल एक्टिव हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि जालसाजों ने बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते का उपयोग किया है। शिकायत के बाद जब इस बैंक खाते को होल्ड कराया गया उससे पहले ही ठगों का ये पूरा पैसा एक अन्य सहकारी बैंक के खाते में ट्रांसफर कर लिया गया। अब साइबर क्राइम की टीम ने सहकारी बैंक के बारे में जानकारी जुटाकर खाते को फ्रीज कर दिया। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने जब सहकारी बैंक में ठग का अकाउंट फ्रीज करा तो ठग ने यहाँ होशियारी दिखाई। बैंक को कंफ्यूज करने के लिए ठग ने साइबर क्राइम से मिलती जुलती ईमेल आईडी से बैंक मैनेजर को खाता अनफ्रीज करने के लिए मेल कर दिया। सहकारी बैंक मैनेजर को शक हुआ तो उसने भोपाल क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, जिस पर खुलासा हुआ कि ठग ने DCP क्राइम ब्रांच की ईमेल आईडी में एक शब्द का हेर फेर कर खाता अनफ्रीज करने की कोशिश की। ये जो मैटर है ये पुराना मार्च का मैटर है जिसमें साइबर क्राइम थाने में साइबर क्राइम में FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें महिंद्रा कंपनी का वो बता करके लेबर सस्ते में सप्लाई करने के उसमें आरोपीगण द्वारा फ्रॉड किया गया था। इसमें जो खाते साइबर फ्रॉड की राशि के लिए यूज़ किए गए थे हमारे टीम के द्वारा वो खाते बैंक को लिख करके होल्ड कराए गए थे। तो इसमें जो अभी रिसेंट में जो खाता जिसका है आरोपी का उसमें हमारा जो लेटर हेड और ईमेल यूज़ करके DSP क्राइम की आईडी यूज़ करके बैंक को अपना जो खाता है वो अनहोल्ड करने के लिए लिखा है और ये मैटर जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने इसमें कार्यवाही सुनिश्चित की। अभी आरोपी कोई चिन्हित हुए? इसमें एक आरोपी चिन्हित हुआ है। कहाँ से पकड़ा है मैम, कहाँ का रहने वाला है, पुराने कोई आपराधिक? ये मुंबई से ऑपरेट करता था और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इसका खाता उसमें फ्रॉड में यूज़ हुआ था। कुछ पैसा रिकवर हुआ? इसमें पुराना लगभग 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड है, उसमें कुछ पैसा रिफंड भी हुआ है। भोपाल साइबर क्राइम ने इस पूरे मामले में 8 महीने की जांच के बाद 9 नवंबर को शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ठगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।